वीर धीर रणधीर तुम्हारे यश की गाथा, त्याग तपस्या कर्मठता पर झुकता माथा। नमस्कार, मैं राजकुमार जायसवाल धनबाद कोयलांचल के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले, देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीद रणधीर वर्मा की आज 31वां शहादत दिवस है। और इस मौके पर धनबाद जिला प्रशासन के साथ साथ धनबाद पुलिस और उनकी पत्नी प्रोफेसर रीता वर्मा, जो कि पूर्व सांसद भी हैं धनबाद से, उनके द्वारा अब श्रद्धांजलि देने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और इससे पहले उन्हें यहीं से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, मातमी धुन बजाई गई और सबसे पहले प्रोफेसर रीता वर्मा पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और यह प्रक्रिया यहां से शुरू हो रही है। नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रोफेसर रीता वर्मा 4 दफ़ा धनबाद की सांसद रह चुकी हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं और यहीं पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की जा रही है। शहीद रणधीर वर्मा के बारे में आपको बता दें कि 3 जनवरी 1991 को धनबाद के हीरापुर बैंक ऑफ इंडिया के शाखा में खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था और इन्होंने अकेले ही एक आतंकवादी को मार गिराया अपने रिवॉल्वर से, सर्विस रिवॉल्वर से, और भागते हुए आतंकवादियों ने इनके ऊपर फायरिंग की जिससे इन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। और उस वक्त धनबाद के SP हुआ करते थे रणधीर वर्मा और आज उस समय से लगातार उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने की प्रक्रिया, संगीत में श्रद्धांजलि देने की प्रक्रिया चलती आ रही है। और अब धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित की जा रही है। बता दें कि धनबाद ही नहीं पूरे देश को गर्व है अपने वीर सपूत पर, जो आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अब धनबाद SSP धनबाद ने भी रणधीर वर्मा के शहादत को कभी भूलना नहीं है और यही वजह है कि गोल्फ ग्राउंड का नामकरण शहीद रणधीर वर्मा स्टेडियम रखा गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2004 में डाक टिकट भी जारी किया गया था इनके लिए और उन्हीं के द्वारा इस आदमकद प्रतिमा की स्थापना की गई थी, इस प्रतिमा का उद्घाटन भी किया गया था। और बता दें कि अभी यहाँ पर पूर्व मंत्री रीता वर्मा के अलावे धनबाद DC, उपायुक्त, स्थानीय विधायक राज सिन्हा, ASP समेत जिले के तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं और श्रद्धांजलि की प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। SSP साहब, शहादत दिवस के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज हम लोग रणधीर वर्मा जी के शहादत में यहाँ हम लोग शामिल हुए हैं। उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है इस खाकी वर्दी के लिए, इस मिट्टी के लिए। तो उन्हीं की याद में आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। वो हम लोग सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, धनबाद के लिए जो उन्होंने और देश के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दी थी उसको धनबाद आज 31वें साल में भी याद कर रहा है। तो बिल्कुल, तो जिस तरह से धनबाद SSP ने बताया कि शहादत जिसे सर्वोच्च बलिदान कहा जाता है उसे ही कहा जाता है। और अभी प्रोफेसर रीता वर्मा वहीं पर मौजूद हैं, कुछ डिस्कस कर रही हैं स्थानीय विधायक एवं कुछ गणमान्य लोगों के साथ में। ये बताइए, रणधीर वर्मा को धनबाद किस तरह से आज याद कर रहा है और उनके शहादत को पर हमें कितना गर्व है? हमें ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जनता को गर्व है
इन्होंने अपने जान का नछावर करके कोयलांचल धरती के बैंक कर्मी और जितने भी आम नागरिक उनकी जान माल का रक्षा किए और अपने आप को नछावर कर दिए, बहुत बड़ी बात है। आज के डेट में ऐसे पदाधिकारी मिलना मुश्किल है, तो हम लोग उनको सत सत नमन करते हैं। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि धनबाद को ऐसे पदाधिकारियों की आज भी आवश्यकता है जो तन से मन से देश के लिए समर्पित हों, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हों, जिनके कण कण में देशभक्ति विद्यमान हो, और आज के युवा पीढ़ी को, आज के पुलिस पदाधिकारियों को, आज के तमाम जो सरकारी पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, हुक्मरान हैं, उन्हें भी इनसे सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि शहादत एक बड़ी बात होती है और अपने देश के लिए सर्वोच्च निछावर कर देना और अपने सहयोगी से कहें कि एक बार फिर से उस आदमकद प्रतिमा को दिखाएं जहां पर गर्व के साथ स्वर्गीय रणधीर वर्मा की आदमकद प्रतिमा धनबाद में विद्यमान है, दी गई और सम्मान भी अपने वीर सपूत को धनबाद ने दिया है। क्या कहेंगे आज को? इसमें कहने का क्या है, धनबाद के बेटे थे, धनबाद ने उनको हमेशा सम्मान दिया और ये इसे लोग तो तुरंत भूल जाते हैं लेकिन 31 साल के बाद भी लोग यहाँ याद रखें, यही बहुत बड़ी बात है। वैसे कुछ लोग हैं जो इनको फिर भी, अब हमारे जो आयुक्त नगर आयुक्त हैं शायद उनको नहीं उसका वैल्यू मालूम होता होगा, हमको पता नहीं है कि आए हैं कि नहीं आए हैं एनीवे। लेकिन बाकी जो है और सबसे ज़्यादा कॉमन पब्लिक भी वो सम्मान देती है, देखकर हमको बहुत संतोष होता है। वोल्फ ग्राउंड में जो नाम स्वर्गीय कर दिया गया है उसके जगह पर शहीद होना जरूरी है, शहीद होना चाहिए और वो बड़ा बड़ा होना चाहिए, उन्हीं के नाम पर वो स्टेडियम है, नगर आयुक्त का नहीं है अपना। ये लोग तो बस दो दिन के बॉस बन जाते हैं और जो मन में आता है वही करने लगते हैं। शहीद रणधीर वर्मा जी की 31वें शहादत दिवस पर आज हम लोग यहाँ उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने, अपने नमन करने, वंदन करने उनको यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपकी सपत्नी भी यहाँ हैं, बाकी सभी पदाधिकारीगण यहाँ हैं आज के दिन पर, चूँकि जो उन्होंने सेवा के लिए किया है, अपनी सेवा में रहते हुए शहादत दी है, उससे हम लोग एक प्रेरणा, जैसा कि भी आप बता रहे थे कि आज 31 साल बाद भी लोग धनबाद में उनको बड़े प्यार से और बड़े सम्मान से याद करते हैं, तो उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को है और एक बार फिर से उनको हम लोग नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अपने श्रद्धासुमन उनको अर्पित करते हैं। विधायक जी, शहादत दिवस है आज रणधीर प्रसाद वर्मा की, शहीद हमारे आज भी उसी तरह से प्रासंगिक हैं जैसे पहले हुआ करते थे, क्या कहेंगे उनके साथ? देखिए, शहीद जो है ना वो हमेशा ही प्रासंगिक होते हैं और रणधीर प्रसाद वर्मा जी तो ऐसे शहीद हैं जिन्होंने अपने आप को कर्तव्य की बलि वेदी पर न्यौछावर कर दिया और इन्होंने एक खास करके सरकारी पदाधिकारियों के लिए एक मापदंड खड़ा कर दिया है, एक स्केल, एक लाइन इन्होंने खींचा है और इस धनबाद के सबसे प्रमुख चौराहे पे इनकी प्रतिमा जो है आज, या जो भी पदाधिकारी यहाँ आते हैं उनको प्रेरणा देती है, युवाओं को प्रेरणा देती है, यहाँ के लोगों को प्रेरणा देती है कि हमको कैसे समाज के लिए, देश के लिए, अपने धरती के लिए कैसे कार्य करना चाहिए। और इसलिए शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा जी की जितनी तारीफ की जाए, और यही कारण है कि आज भी देखिए, आज भी रणधीर प्रसाद वर्मा जी के प्रति लोगों का उतना ही प्रेम स्नेह, साथ ही साथ आज शहीद श्यामल चक्रवर्ती जी को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो ये थे स्थानीय विधायक राज सिन्हा, इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि
किसी भी परिस्थिति में रणधीर वर्मा के नाम के साथ स्वर्गीय नहीं लगना चाहिए, शहीद लगना चाहिए, क्योंकि वो अमर हैं, शाश्वत हैं और हमेशा हमारे बीच रहेंगे, एक वीर सपूत की तरह याद किए जाएंगे। तो आज जो यह श्रद्धांजलि सभा है आज यहाँ पर बिल्कुल ही सामान्य तरीके से संपन्न हो गई, लेकिन रणधीर प्रसाद वर्मा जैसे अधिकारी और भारत के सच्चे सपूत हमारे दिलों में हमेशा वर्तमान रहेंगे, विद्यमान रहेंगे और उनकी शहादत हमेशा युगों युगों तक याद की जाती रहेंगी। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ बाइस्कोप, धनबाद।